कई राज्यों में महिलाओं की चोटी कटने की घटना से सभी सकते में है। ऐसे में शासन से लेकर प्रशासन तक इसका सच जानने की कोशिश में लगा है। कानपुर के जीव वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया है। जीव वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता आर्या ने बताया कि चीन भारत पर जैविक हमला कर रहा है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं देश में सामने आ रही है। माना जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन यानी कि ड्रैगन ने अब भारत पर सामने से हमले की बजाय अब जैविक हमला शुरू कर दिया है। चीन ने भारत में मैकी नाम का कीड़ा छोड़ दिया है, जो देश में लोगों में दहशत फैलाए हुए है। कानपुर की जीव वैज्ञानिक के रिसर्च में इस कीड़े की पहचान हुई है, जो लोगों में फैली दहशत का कारण है। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर और शोध की आवश्यकता जताई है। कानपुर की जीव वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता आर्या ने बताया कि मैकी नाम का कीड़ा ताइवान में बहुतायत में पाया जाता है। चीन की एकीबे नाम की ऑनलाइन साइट इस कीड़े को बेच रही है। यह कीड़ा पेड़ों की छाल खाता है और महिलाओं की चोटियों पर हमला करता है और उसे खाता है, जो चोटियां कट रही है। आशंका है कि यही मैकी नाम का कीड़ा ही लोगों के बाल काट कर खा रहा है। उन्होंने बताया कि ये एक शोध का विषय है। हम जल्द ही उन सभी क्षेत्रों में जाएंगे और शोध करेंगे कि यहाँ का वातावरण इसके लिहाज से कितना सहज है। जिन इलाकों में ये कीड़ा बहुतायत में पाया जा रहा है, वहाँ ये पेड़ों की छाल के साथ बालों को भी खा सकता है। इस कीड़े के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, वो हसिये के आकार के होते हैं, जिससे ये किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। गौरतलब है कि इस कीड़े को लेकर सोशल साइट्स पर भी प्रचार चल रहा है, जिसके बाद कानपुर की इस महिला जीव वैज्ञानिक ने इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई है। उन्होंने इस घटना में चीन का पूरा हाथ होने का दावा किया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।